ये टियागो और टाइगोर के लिए कॉमन होता है क्योंकि दोनों गाड़ियों में सिर्फ डिक्की का ही डिफरेंस है और ओवरऑल लगने के बाद कुछ ऐसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वत्स और आप देख रहे हैं क्रिस्टल कार्स। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे प्रॉपर वुडन आर्मरेस्ट जो सिर्फ होगा टियागो और टाइगोर के लिए। अगर आपको किसी और गाड़ी के लिए वुडन आर्मरेस्ट चाहिए तो उसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। देखने में ओवरऑल सब गाड़ियों के एक जैसे ही होते हैं लेकिन ओवरऑल फिटिंग का डिफरेंस होता है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिर्फ टियागो और टाइगोर की। अगर किसी और गाड़ी के लिए आपको देखना है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, अब वहां जाकर चेक कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं, गाड़ी में लगा कर दिखाते हैं कि लगने के बाद और लगाने का क्या पूरा प्रोसीजर है इसका। ये है टैगोर का सेंटर कंसोल। ये टैगोर और टियागो दोनों के अंदर एक ही होता है क्योंकि गाड़ी में सिर्फ डिक्की का डिफरेंस है। और ये इसके ऊपर हम अभी लगाने वाले हैं यहाँ पे आपका वुडन आर्मरेस्ट। तो ये है वुडन आर्मरेस्ट इसका, जो आप अभी देख ही चुके हो। ये वाला आर्मरेस्ट इसके ऊपर लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगेगा अभी आपको। ये ऐसे दोनों बकल्स जो होते हैं सीट के, इनके बीच में से आपको फंसाना है और इसको बस आपको यहाँ पे रख देना है। बाकी इसके अंदर नॉर्मल जो भी वुडन आर्मरेस्ट आते हैं उनके अंदर आपको नट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि टियागो टाइगोर के अंदर अभी आपको नट लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसका जो पीछे का जो साइज़ है सेंटर कंसोल का वो थोड़ा बड़ा है और आगे से सेंटर कंसोल थोड़ा छोटा है। निकालना लगाना बहुत सिंपल है, हम आपको दिखाते हैं एक बार निकाल के। ये देखिए, ये इसका पीछे का जो साइज़ है ये थोड़ा सा इसका बड़ा है और आगे आगे ये थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से अभी इसमें नट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। हो सकता है बाद में ना पड़े, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम इसको दोबारा आपको लगा के दिखाते हैं एक बार। लगाना बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसके ऊपर इसको रखना है दोनों सीट बकल्स के बीच में और बीच में से डालते हुए आपको कुछ इस तरीके से आपको फंसा देना है। और आपका हैंड ब्रेक अगर आप देखें तो यहाँ से निकल आएगा क्योंकि ये बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया गया है। यहाँ आप इसमें सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हैं और हैंड ब्रेक यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल ही रहेगा और ये इसका ओवरऑल लुक आता है। बाकी आप इसको गाड़ी में सिटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा आगे या पीछे जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको ठीक लग रहा है कि थोड़ा पीछे चाहिए होता है, आप थोड़ा पीछे बैठ के ड्राइव करते हो तो आप कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं इसको थोड़ा आगे लगाना चाहिए तो आप इसको आगे भी लगा सकते हो, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि उसी जगह पे लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हिलने की प्रॉब्लम अभी कह सकते हो है, जिसके लिए यहाँ पे आपको स्क्रू लगाने पड़ेंगे। जो चाइना नट आते हैं वो इसके ऊपर लग जाते हैं जिससे ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब अगर आप पीछे की तरफ देखें तो अगर आप थोड़ा आगे बैठ के चलाते हैं गाड़ी तो आप इसको और आगे कर सकते हैं, जिससे आपका ये ग्लास स्टैंड भी बच सकता है कुछ ऐसे। ये देखिए, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पीछे बैठ के इसको चलाते हो, थोड़ा सीट को आप पीछे ही रखते हो, तो आप इसको पूरा ऐसे पीछे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और अगर यूज़ का अगर आप देखें तो हैंड ब्रेक वगैरह यूज़ करना काफ़ी आसान है। अभी हम लोग ड्राइविंग सीट पे बैठ के इसको आपको यूज़ करके दिखाते हैं। देखो, हैंड ब्रेक वगैरह यूज़ करना बहुत सिंपल है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसको पीछे से किस स्पेस तक लेना है। अगर आप इसको यहाँ तक भी करते हो तो भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, या ऐसे भी यूज़ ये हो सकता है, या तो ऐसे इसका यूज़ आप कर सकते हो। और जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप इसको ऐसे बड़े आराम से इसका यूज़ आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो और पीछे आपका ये जगह भी बच जाती है। आपको पिछली सीट से दिखाते हैं एक बार कि ओवरऑल पीछे का इसमें क्या लुक आ रहा है। कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें कि सीट आगे पीछे नहीं हो रही है, तो आपको एक बार सीट को इसको आगे पीछे करके दिखाते हैं। ये दूसरे वाली सीट अभी हम आगे करके दिखाते हैं आपको इसको। ये देखो पीछे, ये देखिए, आप आराम से इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी अटकता नहीं है और ओवरऑल तो कुछ ऐसा आपको ये दिखेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसको कितना आगे पीछे करना चाहो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर ही सकते हो।
अभी आपको दिखाते हैं इसमें पीछे वाली सीट से इसका आखिर क्या लुक आता है। पहली बात तो ये रैगजीन से बना होता है जिससे सीट कवर बनते हैं, तो ये बिल्कुल मैच हो जाता है। रही बात इसको पीछे से लुक की, तो ये वैसे यहाँ से आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल इसी के हिसाब से बना होता है, तो कट टू कट आ जाता है। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहो आगे करके, तो आप यहाँ पे इसमें बोतल वगैरह भी साथ में इसके यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और अगर आप थोड़ा गाड़ी की सीट को पीछे की तरफ रखते हो ड्राइविंग के टाइम पे, तो आपको फिर इसको थोड़ा इसको पीछे ही रखना पड़ेगा, और जो आप खुद से कर सकते हो। हाँ, हालांकि इसमें स्क्रू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको एक बार जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हो। बाकी ओवरऑल लुक आपका कुछ इसमें ये ऐसा आएगा, तो ओवरऑल लुक कुछ इसका इस प्रकार आ जाता है। बीच में दोनों सीट बकल्स के बीच में ये फंस जाता है अच्छे से, अगर आप स्क्रू लगा दोगे तो बिल्कुल हिलेगा नहीं, और कुछ इस तरह का ये लगता है पीछे की साइड से। अगर आपकी ड्राइविंग थोड़ी लंबी होती है तो आपके हाथ को ये काफ़ी यहाँ पे आरामदायक हो जाता है, और इसके अंदर आपको सामान वगैरह रख सकते हो, ये तो उसका प्लस पॉइंट है ही है। ये टियागो और टाइगोर के लिए कॉमन होता है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में सिर्फ डिक्की का ही डिफरेंस है, और ओवरऑल लगने के बाद कुछ ऐसा लगता है। कुछ लोगों का इसमें ये भी रहता है कि इम्पोर्टेड वाला लगवाना चाहिए या ये वुडन वाला लगवाना चाहिए। वैसे दोनों की अपनी अपनी जगह है कि किसी को लुक वाइज अच्छा लगता है, किसी को इंडियन होने के नाते ये वाला अच्छा लगता है, तो आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी लगा सकते हो। इनकी कंपैरिजन वाली वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है। बाकी आपकी ये पर्सनल चॉइस है कि आपको इनमें से बेटर कौन सा लग रहा है। इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी है, कोई परचेज इंक्वायरी है, या आपका कोई सजेशन है, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये ओवरऑल कैसा लग रहा है।